कौस्तुभ मानिया हैज जॉइन्ड। मानियो मानिया आर यू आई थिंक न्यू स्टूडेंट राइट? सो इन टूडेज क्लास वी हैव टू डू लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई डाउट है तुम लोगों का लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 6 का तो पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। गुड इवनिंग कौस्तुभ, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ कौस्तुभ, अभी तो एक ही स्टूडेंट हो तुम, हो अभी और ज्वाइन करेंगे, लेट अस वेट। आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन मीन वाइल। 1 पाई मॉड x-3 इज लेस देन इक्वल टू हाफ, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे? मेनी पीपल डू मिस्टेक कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तब अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि व्हेन दिस विल बी पॉजिटिव व्हेन दिस विल बी नेगेटिव। जो मॉड एक्स माइनस थ्री है वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है कभी नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी या रिवर्स होगी हमें नहीं पता है। तो जनरली पीपल डू दिस मिस्टेक कि दे राइट इट एज 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x-3, लेकिन ये एक गलत स्टेप होगा, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज 2 के बारे में तो हमें पता है 2 पॉजिटिव नंबर है, तो वो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन मॉड एक्स माइनस थ्री के बारे में नहीं पता है, तो अगर मॉड एक्स माइनस थ्री के बारे में नहीं पता है तो उसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तो एक्स इज़ अ वेरिएबल, तो मॉड एक्स माइनस थ्री भी एक वेरिएबल होगा। ओके कौस्तुभ डन, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा ज़रा शेयर करना। सॉरी सर, अभी मैंने ज्वाइन किया, सर बता सकते हैं क्या करना है? कुछ नहीं, बस अभी मैंने एक क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी का दिया, ये वाला दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। और मैंने ये बता दिया है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व मत करना क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अच्छा आंसर कैसे टाइप करूं, कौस्तुभ कह रहा है तो कुछ आइडिया लग जाए ऐसा टाइप करना है, या पता नहीं माइक तुम्हारा नहीं चल रहा है शायद, तो माइक से भी कर सकते हो आंसर शेयर। इसका अगला स्टेप ये करना, 1 बाई मॉड x-3 और हाफ को लेफ्ट में ले जाते हो अगर, तो माइनस हाफ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस अगर दोनों साइड तुम कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर से अगर कर रहे हो तो इक्वालिटी सेम है, नेगेटिव से कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते जब अननोन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 इंटू मॉड x-3 और ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस मॉड x+3 लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस वुड बिकम
फाइव माइनस मॉड एक्स अपॉन टू इंटू मॉड एक्स प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर कैसे कर सकते हो? एक काम करते हैं कि इसको मॉड एक्स माइनस फाइव बना देते हैं, और जो माइनस साइन है वो राइट में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेस देन इक्वल टू विल चेंज इनटू ग्रेटर देन इक्वल टू, टू इनटू मॉड एक्स माइनस थ्री। ये माइनस थ्री है, प्लस थ्री नहीं है, माइनस थ्री है। यूनियन माइनस थ्री टू जीरो, यूनियन जीरो टू थ्री, यूनियन फाइव। अच्छा देख लेते हैं अभी, तो मॉड एक्स माइनस फाइव बाई टू इंटू मॉड एक्स माइनस थ्री हम लिख सकते हैं, और टू तो एक कांस्टेंट है तो वो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इट इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन ही रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया, तो क्वेश्चन को हमने फाइनली इस तरीके से चेंज कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब तो तुमने लिख लिया होगा, ये हो सो केस वन वो ये है कि जब कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवीजन पॉजिटिव होता है तो या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों। तो अगर तुम दोनों को पॉजिटिव लेते हो, मॉड एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड मॉड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ओनली इक्वल टू मत करना क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हम नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज अनडिफाइन हो जाएगा। इससे मिलेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। इससे क्या मिलेगा? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव से एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव और x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड मॉड x ग्रेटर देन थ्री से x लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री और x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव और x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये आ रहा है पहले केस से। x या तो माइनस फाइव से छोटा हो या फिर x थ्री से बड़ा हो। केस टू क्या होगा? When we take case two, तो numerator by denominator अगर positive है तो numerator भी negative होगा और denominator भी negative होगा, मतलब mod x minus 5 is less than equal to 0 and mod x minus 3 is less than 0। या तो दोनों positive होंगे या तो दोनों negative होंगे, तब उसका जो ratio होगा वो positive आएगा। तो इसको जब solve करेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहां से मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव हो गया एंड यहां से मॉड एक्स इज लेस देन थ्री हो गया। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू फाइव है इसका मतलब एक्स इज बिटवीन फाइव एंड माइनस फाइव एंड मॉड एक्स लेस देन थ्री है मतलब एक्स इज बिटवीन थ्री एंड माइनस थ्री। तो दोनों का अगर कॉमन रीजन निकालोगे तो एक्स लाइज बिटवीन थ्री एंड माइनस थ्री, राइट? तो ये रीजन आएगा। तो फाइनल जब हम आंसर लिखेंगे दोनों को मिला के, एक वो वाला और एक ये वाला दोनों को मिला के लिखेंगे अगर आंसर दिस वन एंड दिस वन, तो हम ये कहेंगे, अच्छा ये x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव था, सॉरी, सो
सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं लिखना है इसको, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखना है, कोई जो कॉमन रीजन होगा वो यही होगा। तो फाइनल आंसर विल बी एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 5 इंक्लूडेड यूनियन माइनस 3 कॉमा 3 यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी। इज दिस क्लियर देवांश एंड देवांश एंड कौस्तुब, इट इज क्लियर ना? यस सर। ओके एक और वर्ड प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम मिसेलेनियस में भी दिया हुआ था। Just go through this question which I am typing. So question says a solution of 9% acid is to be diluted by adding 3% acid solution to it. The resulting solution to be more than is to be more than 5% but less than 7% acid. If there is 460 liters of the 9% solution, how many liters of 3% solution will have to be added? Try this question.
Someone has given the answer. Okay. ठीक आ रहा है कॉस्टो आई थिंक। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो बेसिकली सॉल्यूशन जो है 9% वाला वो 460 लीटर्स है। तो 9% वाला जो सॉल्यूशन है वो 460 लीटर्स है, राइट। और 3% ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो कितने लीटर का है वो हमें नहीं पता है, तो उसको मान लेते हैं x लीटर्स का है। अब अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितने का होगा? तो 9% ऑफ 460, 9/100 इंटू 460, इतना एसिड पहले सॉल्यूशन में है, प्लस 3% ऑफ एक्स ये दूसरे सॉल्यूशन में है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। मैं डॉट से दिखा देता हूँ, ऐसा ना लगे कि एक्स है। तो ये टोटल एसिड हो गया आउट ऑफ द लीटर विच इज एक्चुअली 460 प्लस एक्स इंटू 100%, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया जिसका स्ट्रेंथ बता रहा है। अब ये जो स्ट्रेंथ है, एक मिनट एक कॉल आ रही है, बता दो। हेलो, हाँ सुबह नदी, हाँ, नहीं नहीं है, ठीक है। हाँ, SUBUH4U, हाँ न्यूमेरिक 4 लेटर यू @gmail.com।
मेरी एक्चुअली ऑनलाइन क्लास चल रही है, ज़्यादा टाइम लगेगा क्या इसमें? मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी, और टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आप बाद में कॉल कर लेंगे, 2 घंटे बाद। अच्छा, तो 8:30 पे कॉल कर लीजिएगा। हाँ, आई एम रियली सॉरी, ये कॉल आ गई आज सुबह से, मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ, तुम लोग का टाइमिंग भी चेंज करना पड़ गया। तो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 5 एंड 7, दिस इज लेस देन 7, ग्रेटर देन 5। तो 5% एंड 7%, तो इससे क्या होगा कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी, ये आएगी 0 0 कैंसिल, 4.6 × 9, 9654, 5 बचा, 9436 और 541, तो 41.4 हो जाएगी। प्लस 0.03 एक्स, एक मिनट जो। हेलो, नमस्कार, मैं अभिलाषा मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग से बात कर रही हूँ। अभी तो बात हुई ये थी, कॉल मैंने कहा कि आपको चेक 8:30 पे कॉल करने के लिए मैंने कहा है। कर रहे हैं सर, लाइन पे बने रहिए प्लीज। हेलो, पता नहीं क्या चक्कर है, बोल भी दिया मैंने कि 8:30 पे कॉल करने के लिए, फिर दोबारा कॉल करें। 41.4 प्लस 0.03x, और ये हो जाएगा इंटू 100 अपॉन 460 प्लस x इज लेस देन 7, ग्रेटर देन 5। तो अब इसको फर्दर करेंगे तो 5 लेस देन ये हो जाएगा 4140 प्लस 3x बाई 460x, 460 प्लस एक्स लेस देन 7, कैलकुलेशन चल रही है इसमें और कुछ नहीं है। तो इसको फर्दर अगर करते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, जो नंबर ऑफ लीटर्स हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। तो 5 × 460 प्लस 5 × x इज लेस देन 4140 प्लस 3x
इज लेस देन 7 × 460 + x, तो ये हो जाएगा 6530 का 3 बचा, 5420 का 2300 हो जाएगा, प्लस 5x लेस देन 4140 प्लस 3x विच इज लेस देन 7642, 4 बचा, 28 of 4 = 32, 3220 प्लस 7x। अब यहाँ पर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जब ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे जो पहली दो टर्म्स को ले रही है इनइक्वालिटी, ये वाली, तो मैं थोड़ा मेंटली कर देता हूँ, तो इससे क्या मिलेगा, 2x इज लेस देन, ये आ जाएगा 2300 और 4140 है ना, तो 4140 माइनस 2300 अगर करते हैं तो 0 होगा, 4 होगा, 11 में से 3 किया 8 बचेगा, 1840 का आधा करेंगे 920, तो इससे मिलेगा x इज लेस देन 920, और ग्रेटर देन क्या होगा, तो अब हम अगला दो करते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इससे मिलेगा 4x इज ग्रेटर देन 4140 माइनस 3220, तो 4140 माइनस 3220, 0, 2, 11 में से 2 गया 9, 0, और इसका अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 टाइम्स इज, दिस इज एक्चुअली, देखो ये कैलकुलेशन है इस पे तो तुम्हें वर्क करना ही पड़ेगा, तो 920 4 टाइम्स करेंगे तो 428 230, तो x की वैल्यू जो है वो 230 से 920 के बीच में होनी चाहिए। सो इज दिस क्लियर नाउ देवांश? यस सर। ओके, सो नोट दिस डाउन, आई विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सॉल्व ग्राफिकली, पिछली क्लास में हमने ग्राफिकली भी सॉल्व करना सीखा था, क्या क्या इन इक्वेशन है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज लेस ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर टॉप लेफ्ट वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे हो सर? टॉप लेफ्ट में जो क्वेश्चन है कौस्तुभ, ये वाला जो क्वेश्चन टॉप लेफ्ट में रेड से लिखा हुआ है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है,
हो जाएगा तो बता देना, फिर डिस्कस करेंगे इसको। हाँ सर आपने इसमें जो वैल्यू दे रखी है एक्स टी एक्स इज ग्रेटर एक्स इज जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मतलब वाई सर एक्सिस के राइट साइड का रीजन हो गया। ओके सर अगर अगर हम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स, तो दैट इज एक्चुअली राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन अगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, जो कि वाई इक्वल टू वन होगी, उसके ऊपर, ये हो गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर, नहीं आया समझ समझ नहीं आया, सॉल्व नहीं हो रहा है, या मैंने जो अभी बताया वो समझ में नहीं आया? सर, जो आपने अभी बताया ओके, तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि जो x इक्वल टू जीरो होता है वो y एक्सिस को कहते हैं। y एक्सिस को हम कहते हैं x इज इक्वल टू जीरो, दिस यस इज सर y एक्सिस, ठीक है। और ये दो पार्ट में इस पूरे रीजन को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक राइट पोर्शन एक लेफ्ट पोर्शन। तो जो राइट पोर्शन होगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो x लेफ्ट देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसीलिए हमने राइट पोर्शन लिया है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। उसी तरीके से वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन अगर लोगे, तो वाई इक्वल टू वन एक लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई इज इक्वल टू वन। और इसके अगर तुम ऊपर लेते हो तो ये हो जाएगा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और इसके नीचे लेते हो तो वाई लेस देन इक्वल टू वन। यही है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये दोनों तो कर दिया, ओके अब बाकी जो दोनों हैं उनको अगर सॉल्व करते हैं हम, तो जैसे एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू थ्री करते हैं, तो इससे क्या क्या पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं अगर इक्वालिटी की बात करते हैं, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री की बात करते हैं। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स को अगर तुम जीरो ले लो तो वाई की वैल्यू 3/2 होगी, और वाई को अगर जीरो ले लो तो एक्स की वैल्यू 3 होगी। तो एक पॉइंट है 0,3/2, वो यहाँ पर कहीं पर होगा, और एक है 3,0, वो यहाँ पर कहीं होगा 3,0, और ये 0,3/2, और इससे जो लाइन पास कर रही है वो ये वाली है। एक मिनट, तो इन दोनों से जो लाइन पास कर रही है, वो लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन है। और अगर हम 0,0 को इसमें पुट करते हैं तो 0 <= 3 सेटिस्फाई करता है, तो मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन होगा। और अगर 3x + 4y > 12 वाली लाइन लेते हैं तो क्या मिलेगा देख लो, 3x + 4y = 12 अगर हम लेते हैं, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए x को अगर हम 4 लेते हैं तो y 0 होगा, और वो एक्स को 0 लेते हैं तो वाई 3 होगा। एक हो गया 4,0, ये यहाँ पर कहीं पे होगा, और एक हो गया 0,3, ये यहाँ पे कहीं पे होगा। और ये लाइन ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पर 0,0 अगर पुट करते हो इनइक्वालिटी में तो 0 > 12 नहीं होता, तो मतलब दूसरा रीजन होगा ये वाला। तो एज यू कैन सी हेयर कि देर इज नो कॉमन रीजन, तो इसका सॉल्यूशन होगा 5, क्योंकि ग्रीन वाले के ऊपर है, ब्राउन वाले के नीचे है, दोनों का कोई कॉमन रीजन ही नहीं मिल रहा है। और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी देख लो, तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो विल से नो सॉल्यूशन। कौस्तुभ तुम्हारा नो सॉल्यूशन आ रहा था या कुछ आ रहा था सॉल्यूशन? ओके गुड,
मेरे में इंटरसेक्ट कर रहे थे। इंटरसेक्ट अगर करेगा भी तो वो इस रीजन के बाहर इंटरसेक्ट करेगा, नीचे में जाके करेगा, और हमें ये चाहिए सर वाई नीचे ग्रेटर। कर रहे थे। हाँ तो हमें वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन चाहिए ना, इसके ऊपर चाहिए हमें, इसके ऊपर। दूसरे तो नो सॉल्यूशन वाला हो गया। कभी कोई कॉमन रीजन नहीं है तो नो सॉल्यूशन है। ओके सर। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। एक और ग्राफिकली पे ही देते हैं। कौस्तुभ, अच्छा तुम जल्दी क्लास ड्रॉप कर दोगे? एक्चुअली मैं भी क्लास 8 PM में ओवर कर दूंगा, आज 1 घंटे की क्लास रहेगी, तो 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। सो हेयर इट इज गिवन 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x + 2y इज ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना है ग्राफिकली।
सो इस वाले को कर लिया सबने। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब तो पता हो गया कि वाई एक्सिस के राइट वाला, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। तो ये दोनों कंडीशन तो हमने देख ली, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर हम 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वालिटी है उसको लें तो हमें क्या मिलेगा, x को अगर 0 लेते हैं तो y 8 हो जाएगा, y को अगर 0 लेते हैं तो x 4 हो जाएगा। तो जो पॉइंट है वो 0,8 यहाँ पे कहीं पे होगा और 4,0 में भी यहाँ पे कहीं पे होगा। सर इनके अलावा भी वैल्यू ले सकते हैं? ले सकते हैं, सब इसी पे लाई करेंगे। और अगर हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स देखें, x को 0 लेने पे y 5 हो जाएगा और y को 0 लेने पे x 10 हो जाएगा। तो 10,0 वुड बी समवेयर हेयर एंड 0,5 वुड बी समवेयर हेयर। अब जो लाइन आएगी वो ऐसी आएगी। और इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जो होगा वो ओरिजिन किधर होगा, और x प्लस 2y ग्रेटर देन 10 भी ओरिजिन के ऑपोजिट साइड आ रहा है क्योंकि दोनों ही ओरिजिन के द्वारा सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो फाइनली जो हम शेड करेंगे वो जो रीजन होगा वो हमारा हो जाएगा दिस विल बी द रीजन। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, ये मिस्टेक जनरली हो सकती है। क्या ध्यान रखना है कोई बता सकता है? इसमें एक छोटी सी एरर है, कहां पे वो एरर है और उसका क्या ध्यान रखना है कोई बता सकता है? देखो 2x plus y is greater than equal to 8 है, लेकिन x plus 2y is only greater than 10, equal to नहीं लगा हुआ है। तो x plus 2y equal to 10 वाली जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी। बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन होगी ना ये डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी अगर नहीं है तो लाइन इज नॉट इंक्लूडेड। ये डॉटेड लाइन होगी, लेकिन जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है वो सॉलिड लाइन होगी क्योंकि इक्वालिटी इंक्लूडेड था। इज दिस क्लियर? यस सर। तो आज मैं एक ही घंटे की क्लास ले रहा हूँ, बाकी लोग भी आज आए नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद जो चैप्टर है 7th चैप्टर, मुझे याद नहीं है क्या है, शायद बाइनोमियल होगा या फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होगा। जो भी चैप्टर होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो उसको पढ़ के थोड़ा आ जाना है। तो क्लास ओवर हो गई? हाँ, आज 8 बजे तक ही मैंने रखी है।